हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 और ये आखिरी लेक्चर है चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का, ठीक है, जिसमें आज हम समझेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के बारे में। अभी तक हमने जितनी बातें समझी उसमें हम लोगों ने जाइलम ट्रांसपोर्ट या कह सकते हैं कि वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के बारे में बातें थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारी एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कह रही है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक, क्या मतलब है इसका? सोर्स टू सिंक, ओके, सोर्स यानी कि जहां से, सोर्स क्या हो गया, जहां से कोई चीज बनेगी। सोर्स मतलब जो कहीं पे सोर्स होगा किसी चीज का बनने का, और सिंक यानी कि डूब जाएगी, यानी कि यहां पे कोई चीज बनेगी, है ना, और यहां जाकर के कोई चीज खप जाएगी, खत्म हो जाएगी, या कह लें खपत, समझते हो ना, कोई चीज कंज्यूम हो जाएगी। तो सोर्स में इस बार क्या बनने वाला है? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से पत्तों में क्या बनने वाला है? स्टार्च बनेगा। क्या बनेगा? स्टार्च कह लो, सुगर कह लो, जो मर्जी कह लो। और फाइनली सिंक यानी कि जो ग्रोइंग पार्ट, मेनली कौन होने वाले हैं, जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं वहां पर जाकर के इनका क्या है, एक तरह खाना है उनके लिए पहुंच रहा है, प्लस साथ साथ में कुछ स्टोर हो जाएगा जो बाद में हम लोग खाएंगे, आप लोग खाएंगे ना, सब्जी बना बना करके, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। तो ओके, कह रहा है फूड, खाना, प्राइमरीली सक्रोस, मेन तौर पे सक्रोस, इसकी बात हो रही है सक्रोस, इज ट्रांसपोर्टेड बाय द वस्कुलर टिश्यू फ्लोएम, ठीक है, यानी कि कोई तुमसे पूछ दे अगर कि बताओ भैया जो टिश्यू फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम, वस्कुलर टिश्यू फ्लोएम, जो फ्लोएम होता है वो क्या चीज ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, स्टार्च या सक्रोज, तो क्या आंसर दोगे? सक्रोज, यानी कि जो हमारा स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट कह लो तो बड़ा रूप हो गया, यानी कि जो शुगर है वो किस रूप में ट्रांसपोर्ट की जा रही है? सक्रोज के रूप में हो रही है। क्लियर है? ओके, कहां से हो रही है? फ्रॉम सोर्स टू सिंक, डिस्कस किया हमने। यूजली जनरली द सोर्स इज अंडरस्टूड टू बी दैट पार्ट ऑफ प्लांट, यूजली जनरली सोर्स हम लोग समझते हैं टू बी डेड पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का वो हिस्सा विच सिंथेसाइजेस, मतलब कोई चीज बनाना, द फूड, हम लोग सोर्स उसको जान समझते हैं जो खाना बनाए, ठीक है, डेट इज द लीफ, है ना, उसको यानी कि खाना कौन बनाता है? पत्ते बनाते हैं। एंड सिंक द पार्ट डेट नीड्स और स्टोर द फूड, सिंक वो हिस्सा है जिसको जरूरत है या स्टोर करेगा खाने को। तो सोर्स और सिंक की डेफिनेशन यहां पे उसने डिफाइन कर दी। सोर्स जो खाना बनाएगा, सिंक जो खाना खाए, मतलब जरूरत हो उसको, या स्टोर कर ले, जैसे मैंने बताया था ग्रोइंग पार्ट्स, एंड यहां पे एक और पार्ट कर लेते हैं स्टोर, जो क्या करेगा? स्टोर करेगा। क्लियर कट बातें बोल दी एनसीईआरटी ने ये, ठीक है, आगे आते हैं। बट द सोर्स एंड सिंक मे बी रिवर्स, अब सोचो जा रहा, पत्ते को जरूरत है और जहां स्टोरेज है या ग्रोइंग पार्ट है, यानी कि ये चीजें रिवर्स हो गई एक तरह से, है ना, कैसे रिवर्स होंगी समझेंगे इसको। ये रिवर्स होती है पतझड़ के मौसम में, कब सारे पत्ते टूट गए, अब नए पत्ते जब खिल रहे हैं उस समय तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए? खाना। तो जहां खाना स्टोर किया गया था वहां से खाना मूव होता है और कहां पहुंचता है? ग्रोइंग लीव्स के पास, जो पत्ते खिल रहे होते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये रिवर्स भी हो सकता है, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, बाई डायरेक्शनल, जो हमने पढ़ा था कि जाइलम में ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है, इसमें क्या हो गया? बाई डायरेक्शनल, दो तरफा हो गया। ओके, बट द सोर्स एंड सिंक मे बी रिवर्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन, किस पर डिपेंड कर रहा है? सीजन पे, और द प्लांट्स नीड, या प्लांट्स की जरूरत हो सकती है। ओके, सुगर स्टोर्ड इन रूट्स मे बी मोबिलाइज्ड, कह रहा है जो खाना, भाई जब पतझड़ से पहले खूब सारा खाना बनाया और वो स्टोर कहां कर लिया? पत्तों ने गिरने से पहले सारा खाना कहां भेज दिया? रूट में भेज दिया। सुगर स्टोर्ड इन रूट्स, जो जड़ों में, मे बी मोबिलाइज्ड, मोबिलाइज्ड मतलब मूव करेगा, टू बिकम सोर्स, और क्या हो, यानी कि वहां से चलना स्टार्ट किया, यानी कि इस रूट क्या हो गए? सोर्स हो गए, ऑफ फूड इन द अर्ली स्प्रिंग, पतझड़ के बाद स्प्रिंग आ रहा है अर्ली, व्हेन द बर्ड्स ऑफ ट्रीज, ट्रीज के जो बर्ड्स हैं किल्ले फूट रहे हैं पत्तों के, एक्ट एज सिंक, उस समय जो पत्तों के किल्ले फूट रहे होते हैं वो सिंक की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि वहां पे खपत होने वाली है, ठीक है, उनको एनर्जी चाहिए, दे नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ, किसके लिए? ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए,
ऑफ द फोटोसिंथेटिक एपरेटस। भैया पहले खाना बनाने का सामान तो बना ले, फोटोसिंथेटिक एपरेटस तो तैयार कर ले। एपरेटस मतलब है ना, लैब इस्तेमाल करते हैं एपरेटस जो जिनसे हम लोग काम करते हैं। तो शुरुआत में जब पत्ता ग्रो कर रहा है उस समय उसके पास फोटोसिंथेसिस करने के चीजें ही नहीं है, तो उसको वो सामान चाहिए, सारा सारा सामान मतलब एनर्जी चाहिए, ठीक है, खाना चाहिए जिससे कि वो बड़ा हो थोड़ा सा और फोटोसिंथेटिक एपरेटस ग्रो कर पाए। जैसे ही फोटोसिंथेटिक एपरेटस उसके अंदर बना फिर उसको जरूरत नहीं, फिर वो अपना खाना खुद बना लेगा। क्लियर कट? सिंस द सोर्स सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल, द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन द फ्लोएम कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, दैट इज बाई डायरेक्शनल। ये अपवर्ड भी होगा रूट से ऊपर या पत्तों से रूट में, दोनों तरफ हो सकता है। क्लियर होगी बातें? दिस कंट्रास्ट, ये कंट्रास्ट है मतलब जस्ट अपोजिट है विद दैट ऑफ जाइलम वेयर द मूवमेंट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। जहां मोशन क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में मोशन होता है, दैट इज अपवर्ड। हमेशा कहां होता है? अपवर्ड। किसमें? जाइलम में। रूट से पानी हमेशा ऊपर को जाता है, ऊपर से पानी कभी नीचे नहीं आता है। क्लियर है बातें? क्लियर, ओके। हेंस अनलाइक वन वे फ्लो, अनलाइक मतलब नॉट लाइक, हैंस अनलाइक वन वे फ्लो, ये बच्चा कई बार समझने में दिक्कत करता है। नॉट लाइक वन वे फ्लो ऑफ वाटर इन ट्रांसपिरेशन, जैसा कि कह रहा है कि नॉट लाइक एस वन वे फ्लो ऑफ वाटर इन ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वन वे फ्लो ऑफ वाटर ऐसा नहीं। फूड इन फ्लोइम सैप कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एनी रिक्वायर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। नॉट लाइक पानी का वन वे ट्रांसफर वो होता है, मोशन होता है, बट फूड इन फ्लोइम, फ्लोइम के अंदर जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो किसी भी डायरेक्शन, भाई ऊपर नीचे साइड में जहां जरूरत है वहां जाएगा। सो लॉन्ग एज देयर इज सोर्स ऑफ सुगर एंड सिंक एबल टू यूज, ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है कह रहा है, ठीक है। सो लॉन्ग एज देयर इज सोर्स ऑफ सुगर एंड सिंक एबल टू यूज, जहां पर सोर्स ऑफ सुगर होगा और सिंक होगा तो कहीं पे भी सोर्स से बन के सिंक की तरफ जा सकता है, सिंक की तरफ जा सकता है, स्टोर और रिमूव द सुगर। क्लियर है बातें? बात समझ में आई? फिर देख लेंगे इस लाइन को, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हैंस अनलाइक वन वे फ्लो ऑफ वाटर, जैसे कह रहा है जैसे कि पानी में एक की तरफा का फ्लो होता है, ऐसा नहीं फूड में ऐसा नहीं होगा। फूड इन फ्लोइंग सैप कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एनी रिक्वायर्ड डायरेक्शन, वो किसी भी रिक्वायर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सो लॉन्ग एज देयर इज अ सोर्स ऑफ सुगर, ठीक है ना, एंड सिंक एबल टू यूज स्टोर और रिमूव द सुगर, ठीक है, कह रहा है जहां तक हो सक रहा है सोर्स सिंक उसको मतलब सोर्स बनाएगा, सिंक उसका यूज करेगा, स्टोर करेगा या रिमूव द सुगर, सुगर को क्या करेगा, रिमूव करेगा, रिमूव करके आगे लेके जाएगा। क्लियर है? ओके। फ्लोएम सैप इज मेनली वाटर एंड सक्रोज, जो फ्लोएम सैप होता है, अब बात समझना, बार बार यहां पर एक जिक्र आ रहा है फ्लोएम सैप, फ्लोएम सैप, जो फ्लोएम के पाइप हमने देखे थे है ना, पढ़ेंगे कंपेनियन सेल वगैरह वो सब बातें आएंगी इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूड है इसको बोला जा रहा है फ्लोएम सैप, इसके अंदर फ्लूड जो पास खाना जिस रूप में पास हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लोएम सैप। वाटर एंड सक्रोज, जो इसके अंदर खाना जिस रूप में पास हो रहा है, पानी के अंदर घुल जाता है सक्रोज और जो चीज तैयार होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोएम सैप। क्या क्या होता है उसके अंदर, मेनली वाटर एंड सक्रोज, बट अदर सुगर्स, कुछ और सुगर भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं उसमें, अमीनो एसिड्स भी होते हैं, आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड और ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम, यानी कि इन दोनों चीजों के अलावा, सक्रोज के अलावा सुगर, हार्मोन्स, अमीनो एसिड भी क्या होते हैं, साथ साथ में ट्रांसलोकेटेड होते हैं, क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो ये लाइन हो जाती है हमारे पास इंपॉर्टेंट, जैसे कि जाइलम में क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होती है उसका हमने जिक्र किया था वहां पर, और उसी तरह फ्लोएम में क्या क्या चीजें ट्रांसलोकेटेड होती है यहां पर उसका जिक्र किया हुआ है। तो ये हो जाता है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खाने के अलावा ये सारी चीजें भी क्या हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है। क्लियर, आगे आते हैं। द प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है ना, एक हाइपोथेसिस है हमारे पास, प्रेशर फ्लो या मास फ्लो, मास का बहना या प्रेशर का बहना। अब ये क्या है, प्रेशर के बहने से क्या मतलब है, मास के बहने से क्या मतलब है, आओ समझते हैं क्या कह रहा है। द एक्सेप्टेड मैकेनिज्म, अब यहां बात करेगा मैकेनिज्म को कि आखिरकार जो खाना बना पत्तों में वो आगे कैसे गया। तो कह रहा था एक्सेप्टेड, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की गई, मानी गई मैकेनिज्म यूज फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज कॉल्ड प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। सिंपल सी बात हो गई कि जो सबसे ज्यादा मैकेनिज्म एक्सेप्ट की गई है, मानी गई है,
जिसके अंदर हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं क्या कि खाना ट्रांसलोकेट कैसे हुआ है, उस मैकेनिज्म का नाम क्या दिया गया है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। कह रहा है सी फिगर 11.10, तो 11.10 ठीक है ना। आप इसको ऐसे देखने से काम नहीं बनेगा, पहले पढ़ लें समझ लें फिर इसको भी फिगर को भी समझेंगे, ठीक है ना। ओके, एज ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड एट द सोर्स, कह रहा है ग्लूकोज को तैयार किया जाता है कहां, सोर्स पे, सोर्स यानी पत्तों में, बाय फोटोसिंथेसिस, इट इज कन्वर्टेड टू सुक्रोज। ग्लूकोज बनती है, पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या बन रहा है, ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सक्रोज में, फिर फाइनली सक्रोज जहां तक अगर स्टोर हो जाता है तो वो बदल जाता है किसमें, स्टार्च में। खैर हम लोग अभी आ रहे हैं कि ग्लूकोज किस रूप में ट्रांसपोर्ट होता है, तो सक्रोज में ट्रांसपोर्ट होता है। फोटोसिंथेसिस क्या बनाएगी, ग्लूकोज, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सक्रोज में। ये एक डाइसेक्राइड है, क्या है डाइसेक्राइड, मतलब इसके अंदर दो मोल्स ऑफ हम कह सकते हैं ग्लूकोज पाए जाते हैं, दो मॉलिक्यूल होते हैं, दो मॉलिक्यूल के जुड़ने से बनता है ये। द सुगर इज देन मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज इनटू कंपेनियन सेल। तो सबसे पहला मोशन क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप क्या था, समझते हैं ना, लिखते हैं ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बना, सक्रोज, सक्रोज से ये मूव कहां कर गए, मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज इन द कंपेनियन सेल, कहां मूव कर गए, कंपेनियन सेल। एनसीईआरटी लेके बैठे हो, लेके बैठो, बता रहा हूं मैं, सब हॉशपॉच हो जाएगा, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखो जरा यहां पर सुगर कहां मूव कर गई, कंपेनियन सेल पे, एंड देन इनटू लिविंग फ्लोएम सीव ट्यूब सेल्स। अल्टीमेटली कहां कर गई, लिविंग फ्लोएम सीव ट्यूब सेल्स। तो अब इसका रास्ता समझ में आ गया, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ सक्रोज में, सक्रोज कहां घुसा, कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल से कहां घुसा, हमारा सक्रोज सीव ट्यूब सेल्स में। ओके, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी खर्च हुई यहां पर। पूछ सकता है कि कंपेनियन सेल से जब सीव ट्यूब में सेल में जा रहा है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, छोटा सा क्वेश्चन लाइन में छुपा हुआ है, बच्चा भटक जाता है, इसे समझ नहीं पाता। ओके, दिस प्रोसेस, अच्छा ये जो सीव ट्यूब सेल के अंदर ये भर गया इसको कहा जाता है लोडिंग, लोड करना है, ट्रक को लोड करते हैं ना वैसे, लोडिंग। दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग, लोडिंग एट द सोर्स, सोर्स जहां पर सोर्स फोटोसिंथेसिस हो रही है वहां पर ये जो प्रोसेस हो रही है लोडिंग की, प्रोड्यूसेस आ हाइपरटोनिक कंडीशन इन द फ्लोएम, ठीक है ना। फ्लोएम के अंदर एक हाइपरटोनिक, यानी कि ये फ्लोएम है, ठीक है, इसके अंदर ये लोड हो गया। अब हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब पढ़ चुके हैं, यहां पे सल्यूट ज्यादा हो गया, पानी कम हो गया, यानी कि वाटर पोटेंशियल रिड्यूस कर गया बहुत ज्यादा, वाटर पोटेंशियल रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। ओके, वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम मूव्स इनटू द फ्लोएम, बगल में क्या है, जाइलम है, जाइलम फ्लोएम साथ साथ चलते हैं, तो बगल में क्या है, यहां पर क्या है, पानी है, ये क्या है, जाइलम है, ठीक है ना, ये क्या था, ये फ्लोएम है, ये क्या है, फ्लोएम है। अब यहां सोल्यूट बहुत ज्यादा हो गया, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर गया है, तो क्या होगा, पानी यहां से यहां मूव करना स्टार्ट करता है, पानी बगल से आना स्टार्ट हो रहा है। वाटर इन द एडजेसेंट मतलब बाजू, वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम, जो बाजू में जाइलम है वहां से मूव करता है इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू पानी यहां मूव करना स्टार्ट कर देता है। एज ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप द फ्लोएम सैप, बिल्ड्स अप, कह रहा है एज द ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप, बिल्ड्स अप, जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप होता है द फ्लोएम सैप विल मूव। ये लाइन जुड़ी हुई है, एक साथ पढ़ोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे, द ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड्स अप, ठीक है, यहां पे जैसे जा रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, टाइट होता रहा है, प्रेशर लगा रहा है ये, है ना, प्रेशर लगाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, द फ्लोएम सेल विल मूव टू द एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। अब यहां पर नीचे की तरफ क्या प्रेशर लो है, तो ये धक्का मारने लगता है इसको, इसे क्या मारने लग रहा है, धक्का मारने लग रहा है, पानी आया इसको धक्का मार रहा है, क्लियर है। द फ्लोएम सेल विल मूव टू द एरिया ऑफ लोअर प्रेशर एट द सिंक, एक कहानी ये होगी, इस तरह से धक्का लगना स्टार्ट हो गया, पानी आ रहा है, धक्का लगता जा रहा, लगता जा रहा, लगता जा रहा, ठीक है। अब सीधा पहुंच गया सिंक पे, एट द सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी रिड्यूस, जहां सिंक होगा वहां पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको बहुत ही कम होना चाहिए, मतलब मस्ट बी रिड्यूस, कम होना चाहिए, जिससे कि धक्का लग के वहां से निकलने में आसानी होगी। ओके, आगे आते हैं, अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी टू मूव द सक्रोज आउट ऑफ द फ्लोइंग सैप एंड इनटू द सेल्स विच विल यूज द सुगर। ओके, अब यहां से अगेन
अब फाइनली कहाँ जा चले गए हम, सीधा सिंक पे, यहाँ से सीधा हम कहाँ आ गए, सिंक में आ गए, जहाँ जरूरत है, मान लो यहाँ जरूरत है, ये कल ये खिलने वाली है, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा होता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, तो यहाँ से प्रेशर लग करके ये बाहर की तरफ निकलेगा। तो कह रहा है एट द सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी रिड्यूस, वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना चाहिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता है किसके लिए, टू मूव द सक्रोज आउट ऑफ द फ्लोएम सैप, फ्लोएम सैप से यहाँ से सक्रोज को बाहर निकालने के लिए, ताकि ग्रोइंग पार्ट में जा सके। किसका इस्तेमाल हो रहा है, एनर्जी का। एनर्जी कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ किसका इस्तेमाल हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आउट ऑफ द फ्लोएम सैप एंड इन टू द सेल, कहाँ पे लेके जा रहा है, उस सेल में विच विल यूज द सुगर, जो सुगर को इस्तेमाल करेगा सक्रोज को, फाइनली क्या करता है, कन्वर्ट करता है इसको एनर्जी में। इसको ताकत चाहिए आगे बढ़ने फलने फूलने के लिए, तो जो सुगर आ गई है उसको फाइनली कन्वर्ट करता है किसमें, एनर्जी में। क्लियर, एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, स्टार्च में या सेलुलोज में कन्वर्ट कर लेगा, जैसी उसकी नीड होगी वो उसको उसमें कन्वर्ट कर सकता है। बढ़ रहा है तो एनर्जी चाहिए होगी, स्टोर करेगा तो स्टार्च चाहिए होगा, कोई चीज बना रहा है सेल वाल बना रहा है तो सेलुलोज में कन्वर्ट कर लेगा, डिपेंड करेगा कि उसको कैसी नीड है उसकी। एज सुगर आर रिमूव, अब देखो बात समझना, सिंक के पास जाकर के सक्रोज एनर्जी स्टार्च या सेलुलोज किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है, डिपेंड करेगा कैसी नीड है। एज सुगर्स आर रिमूव्ड, जैसे ही सुगर रिमूव होते हैं या सुगर रिमूव किए जाते हैं, द ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेस एंड वाटर मूव आउट ऑफ द फ्लोएम। जैसे यहां से मान लो क्या हो गया, ऊपर से आ रहा था ये, यहां से सारा सुगर बाहर निकल गया, अब यहां पानी बहुत ज्यादा हो गया, पानी वापस जो बगल में जाइलम की लेयर थी हमारे पास, ठीक है, वो यहां बना देता हूं मैं इस बार, तो पानी वापस से फिर निकल निकल के अपने जाइलम में वापस आ गया, ठीक है। एज द सुगर्स आर रिमूव्ड, जैसे ही सुगर रिमूव होती है, द ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेस, गिर जाता है, एंड वाटर मूव आउट ऑफ द फ्लोएम, वाटर जो है वो फ्लोएम से बाहर निकल जाता है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही है, ओके। आगे आते हैं, कह रहा है टू समराइज द मूवमेंट, अगर इस मूवमेंट को समराइज करें, समराइज कर दें एक छोटे से सार में, तो क्या रहेगा, तो कह रहा है द मूवमेंट ऑफ सुगर इन द फ्लोएम बिगिंस एट सक्रोज, सॉरी सोर्स, द मूवमेंट ऑफ सुगर इन फ्लोएम बिगिंस एट द सोर्स, सोर्स में शुरुआत होती है, वेयर सुगर्स आर लोडेड एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड। समरी तैयार हो रही है इसकी, जो मैंने शॉर्ट में बताई थी, सोर्स, ठीक है ना, वहां पे सुगर लोड किए जाते हैं एनर्जी खर्च करके इनटू कहां पर, सीव ट्यूब्स में, ठीक है। लोडिंग ऑफ द फ्लोइंग सेटअप अ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, जैसे ही लोड होगा वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, यहां वाटर पोटेंशियल कम, यहां बगल में जाइलम में ज्यादा, डेट फैसिलिट द मास मूवमेंट ऑफ द मास मूवमेंट इन द फ्लोइंग, डेट फैसिलिट द मास मूवमेंट, ये वाटर पोटेंशियल क्रिएट होने की वजह से, तो यहां से पानी निकल के आ रहा है जिसकी वजह से ऑस्मोसिस क्रिएट हो रही है, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर इसको धक्का मार रहा है, तो शुरुआत किसने कर दी, वाटर पोटेंशियल ने, वाटर पोटेंशियल के ग्रेडियंट ने। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कहां इस्तेमाल होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कहीं पे भी ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी दो चीजों का डिफरेंस, वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक की वेलोसिटी कम एक की ज्यादा, प्रेशर ग्रेडियंट, एक का प्रेशर कम एक का प्रेशर ज्यादा, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक का वाटर पोटेंशियल ज्यादा एक का वाटर पोटेंशियल कम। क्लियर है, ये जो वाटर पोटेंशियल था इसी ने फैसिलिटेट किया, इसी ने सुविधा प्रोवाइड करवाई जिससे कि मास मूवमेंट, एक साथ पूरा पूरा मास मूवमेंट स्टार्ट हो गया, कहां, फ्लोएम के अंदर, इन द फ्लोएम। कहानी समझ में आ रही है, क्लियर है, बातें क्लियर हैं, आगे चले, ओके। फ्लोएम, अरे फ्लोएम टिश्यू इज कंपोज ऑफ सीव ट्यूब सेल्स, कह रहा है फ्लोएम टिश्यू कंपोज बना हुआ होता है, या उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, सीव ट्यूब सेल्स विच फॉर्म लॉन्ग कॉलम, लंबे लंबे कॉलम की बनी हुई होती है, विद होल्स इन देयर एंड, यानी कुछ ऐसा समझ लो इस टाइप से रहेगा, उसके एंड में क्या रहते हैं, ये होल्स रहते हैं, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये सीव ट्यूब को इमेजिन कर लो ऐसे, ठीक है, इन देयर वॉल्स कॉल्ड सीव प्लेट्स, इन होल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, छलनी, सीव मतलब क्या होता है, छलनी, ठीक है, इसको बोला गया सीव प्लेट, ठीक है। आगे आते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स पास थ्रू द होल्स इन द सीव प्लेट्स, जो साइटोप्लाज्म होता है वो अगले सेल और इस सेल का आपस में क्या हो रहा होता है, आर पार हो रहा होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, पतली सी धार कह सकते हो, आर पार हो रही होती है। कह रहा है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स पास थ्रू द होल, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पास हो सकती है इन द सीव प्लेट्स
सो फॉर्मिंग कंटिन्यूअस फिलामेंट. अब ये लगातार माने कि एक सेल दूसरे सेल से क्या हो रखा है, कनेक्ट हो रखा है थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड. स्ट्रैंड क्यों बोल दिया गया, होस्ट बहुत पतले होते तो एक धागा टाइप है ना, साइटोप्लाज्म की एक पतली सी थ्रेड टाइप की हम लोग उसको देख सकते हैं. तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पास थ्रू द होल्स इन द सी प्लेट सो फॉर्मिंग कंटिन्यूअस फिलामेंट. तो एक कंटिन्यूअस फिलामेंट जैसा बन जाता है. एज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम एज, अब क्या हो रहा है, एज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द सीव ट्यूब. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बताता है, यहां से पानी जैसे यहां से जाइलम से पानी यहां आना शुरू होगा तो यहां हाइड्रोस्टेटिक पानी का प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज करेगा. प्रेशर इन द सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम इंक्रीजेस, जैसे इंक्रीज करता है प्रेशर फ्लो बिगिन, एक प्रेशर का फ्लो होना स्टार्ट होता है यानी धक्का लगना स्टार्ट होता है. एंड द सैप मूव थ्रू द फ्लोएम, और जो सैप होता है वो मूव करना शुरू कर देता है थ्रू मतलब फ्लोएम के थ्रू मूव करना स्टार्ट कर रहा है. मीनवाइल जबकि या इसी बीच में एट द सिंक इनकमिंग सुगर आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द फ्लोएम एंड रिमूव्ड. यानी कि सिंक में क्या हो रहा है, जो इनकमिंग सुगर है वो एक्टिवली एनर्जी खर्च करके निकाल ली जा रही है, कहां से, आउट ऑफ द फ्लोएम, और उसको रिमूव कर दिया जा रहा है. क्लियर है, ठीक है. डायग्राम को भी डिस्कस करते हैं. ओके, तो क्या था यहां पे लास्ट लाइन हमारे पास, ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द फ्लोएम, यानी कि जहां सिंक है, जहां जरूरत है वहां पे एनर्जी खर्च करके उस सुगर को फ्लोएम से निकाल लिया जा रहा है एंड रिमूव्ड, ठीक है, एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, उसे रिमूव करके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कह सकते हैं हम लोग, कन्वर्ट कर ले रहा है उसको वो. द लॉस ऑफ सोल्यूट प्रोड्यूसेस हाई वाटर पोटेंशियल इन द फ्लोएम. जैसे ही सोल्यूट निकला, ठीक है ना भाई, ये जाइलम था मान लो, ये क्या है मेरे पास, जाइलम है, इसके अंदर वो आ रहा था क्या ऊपर से फ्लोएम सैप, इसके अंदर क्या था, सक्रोज था, ठीक है, और यहां से मान लो ये ग्रोइंग पार्ट था, यहां से जैसे ही यहां से निकल गया सारा, तो यहां पर केवल क्या बचा, पानी बचा, पानी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा यहां पर इंक्रीज कर गया. द लॉस ऑफ सोल्यूट, इसके अंदर जैसे जैसे ही सोल्यूट बाहर निकल गया, ग्रोइंग पार्ट, ये क्या है मान लो, ग्रोइंग पार्ट, क्या है ये, ग्रोइंग पार्ट, जैसे ग्रोइंग पार्ट में वो सोल्यूट निकल गया, ए हायर वाटर पोटेंशियल इन द फ्लोएम, ठीक है ना, प्रोड्यूस करता है एक हाई वाटर पोटेंशियल. क्लियर है. एंड वाटर पासेस आउट रिटर्निंग इवेंचुअली टू जाइलम, और अल्टीमेटली वाटर पास होता है और रिटर्न कर जाता है अल्टीमेटली कहां पर, जाइलम में वापस. क्लियर है. फिर कह रहा है अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, चलो उसको बाद में देखते हैं, ये डायग्राम देख लेते हैं. देखो जरा क्या है, सुगर लीव सीव ट्यूब, लीव नहीं, पहले चलते हैं सोर्स के पास, सोर्स कहां लिखा है, सुगर एंटर द सीव ट्यूब. देखो यहां पे आते हैं सोर्स, सुगर एंटर द सीव ट्यूब, देख रहे हो ये, तो ये पतले पतले देख रहे हो, ये सुगर मॉलिक्यूल है, समझ पा रहे हो, ये सुगर मॉलिक्यूल है पतले पतले, इनमें क्या कर रहा है, ये एंटर कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये एंटर कर रहा है. क्लियर है. ओके, इसमें क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है. वाटर फॉलो बाय ऑस्मोसिस ट्यूब्स, वाटर फॉलोस बाय ऑस्मोसिस, और इसके पीछे पीछे क्या है, पानी भी एंटर कर रहा है, हाई टर्गर प्रेशर यहां पर क्रिएट हो जा रहा है. क्लियर है. ओके, अब आगे आते हैं, अब जहां पर जरूरत है वहां से फिर आगे धक्का लग के ये आता जा रहा है, ये फ्लोएम है, ठीक है, ये आगे आते जा रहे हैं, चाहे ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकता है, ठीक है ना. रूट में जा रहा है सुगर लीव सीव ट्यूब फॉर मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज, वाटर फॉलो बाय ऑस्मोसिस, ठीक है ना. सुगर यहां पर क्या कर रहा है, लीव कर रहा है फॉर द मेटाबॉलिज्म, किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, एंड स्टोरेज, वहां पर स्टोर होने के लिए. वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस, जो वाटर करता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू उसको फॉलो करेगा. सुगर लीव सीव ट्यूब, यहां पर अगेन सुगर क्या कर रहा है, सीव ट्यूब को लीव कर रहा है, छोड़ रहा है. टिप ऑफ स्टेम, दो जगह सिंक दिखा दिया, रूट में और टिप ऑफ स्टेम में. वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस, यानी कि फाइनली पानी जो है वो फॉलो करेगा ऑस्मोसिस को और निकल जाएगा बाहर. सुगर सॉल्यूशन फ्लोज टू द रीजन ऑफ लो टर्गर प्रेशर, जो यहाँ पे सुगर लोड हुई थी वो लो टर्गर प्रेशर, रूट में है, लीव में है, तो वो किसी भी तरफ मूव कर जाएगा. क्लियर है बात, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. तो यही थोड़ा डायग्राम था इसके अंदर. अब एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट है. गर्डल मतलब कट लगाना होता है. सिंपल एक्सपेरिमेंट कॉल गर्डलिंग वॉज यूज टू आइडेंटिफाई द टिश्यू थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड, कि आखिरकार फूड को ट्रांसपोर्ट कर कौन रहा है, जाइलम या फ्लोएम, ये जांचने के लिए, चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है. ओके, ऑन द ट्रंक ऑफ ट्री, ट्री का जो तना था
अ रिंग ऑफ बार्क अप टू द डेप्थ ऑफ फ्लोएम लेयर, है ना, जाइलम अंदर की तरफ होती है। मान लो ये एक ट्रंक है और इसमें सबसे अंदर जाइलम है और फिर यहाँ पे मतलब ये जाइलम है और इसके बाहर क्या है, यहाँ पर ये जाइलम मान लो और इसके बाहर क्या मान लेते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं फ्लोएम, है ना, जाइलम फ्लोएम आगे पीछे एक साथ हैं, अंदर जाइलम है बाहर फ्लोएम है। हमने इसमें कट लगाया कहाँ तक, हमने यहाँ तक कट लगा दिया, यानी कि ये बाहर की जो लेयर थी फ्लोएम वाली यहाँ तक कट लगा दिया, केवल अंदर जाइलम जाइलम छोड़ दिया और ये बाहर का कट मार के यहाँ से हटा दिया। तो अब मान लो पेड़ है, इतना काट दिया तो इसमें फ्लोएम वाला पार्ट यहाँ से कट के अलग हो गया, ठीक है ना, फ्लोएम वाला पार्ट यहाँ से कट के अलग हो गया। तो इसको अगर मैं प्रॉपर ड्रॉ करूँ तो देखो कुछ ऐसा फील नज़र आएगा, ठीक है, केवल जाइलम छोड़ दिया, साइड से फ्लोएम वाले पार्ट को कट कर दिया है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ओके। ऑन द ट्रंक ऑफ ट्री अ रिंग ऑफ बार्क, एक रिंग चारों तरफ काटी गई अप टू द डेप्थ ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम लेयर की डेप्थ तक काट दी गई, ठीक है, कैन बी केयरफुली रिमूव, ध्यान से रिमूव करना, अंदर जाइलम ना कट जाए, ठीक है, ओके। इन द एब्सेंस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, अब क्या है, फ्लोएम कट चुका है तो फूड नीचे तो मूव करेगा नहीं, क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड इन द पोर्शन ऑफ द बार्क अबव द रिंग ऑन द स्टेम, ठीक है, जो रिंग के ऊपर का स्टेम है अब वहां से नीचे तो खाना आ नहीं रहा है, ठीक है, अब क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस, अब होगा क्या, ऑन द रिंग स्टेम बिकम स्वेलन आफ्टर अ फ्यू वीक, अब होगा क्या, यहां पर ना क्योंकि खाना तो नीचे आ रहा है बट नीचे नहीं जा पा रहा है तो वो खाना ना यहाँ धीरे 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 स्टोर हो जाता है और ये ऐसा मोटा सा हो जाता है, फूल जाता है, क्या हो गया, ये फूल गया। तो वही कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, अब ये फूड नीचे तो जा नहीं पा रहा है बार्क से, अबव द रिंग, रिंग के ऊपर, द स्टेम बिकम स्वेलन, स्टेम फूल जाती है आफ्टर अ फ्यू वीक, कुछ हफ्तों के बाद वो क्या करती है, फूल जाती है। दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट शोज दैट फ्लोइंग इज द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जो हमको ये बताता है कि फ्लोइम ही वो पार्ट है, वस्कुलर टिश्यू है जो फूड के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड डेट ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन, ठीक है, डेट इज टूवर्ड्स द रूट, दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म बाय यू इजिली, ठीक है ना, दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट शोज डेट फ्लोइम इज द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, यानी कि ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है कि फ्लोइम ही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड की, एंड डेट ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ है, ठीक है, एक डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ हम जानेंगे नहीं अभी, क्योंकि अभी क्या होगा, यहाँ पर पत्ते होंगे तो खाना नीचे की तरफ जा रहा है, जब पतझड़ हो जाएगा तो खाना रूट से ऊपर की तरफ जाएगा, क्लियर है, टूवर्ड्स द रूट, दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म, ये तुम इजिली अपने घर पर या लैब में इजिली कर सकते हो, क्लियर है। तो ये सारी बातें थी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में, तो पूरा चैप्टर हमने जाना समझा, अब तुम लोगों को क्या काम करना है मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको एक तो अच्छे से रीड करना है, और जो पॉइंट जैसे गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट है तो यहाँ पे तुम्हारे स्पेस होता है एनसीईआरटी में ना, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट निकाल निकाल के मेन मेन चीज़ें, जैसे गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या सीखना चाहिए था और क्या था इसमें स्वेलन हो गया था, तो ये मेन मेन बातें जो एक पैरा से जो तुमको पूरा पैरा के बारे में एक आइडिया देंगी, वो मेन मेन पॉइंट निकाल करके तुम साइड में लिख सकते हो, ठीक है ना, अदरवाइज तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है ही, किस लाइन से क्या उठ के आएगा कुछ आइडिया नहीं होता है नीट में, ठीक है ना, बाद बाकी अगर कहानी समझ में आ गई है तो क्लास 11 के बच्चों को तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनको थ्योरी लिखनी है, लेकिन अब पैटर्न थोड़ा ऑब्जेक्टिव वाला भी हो गया है तो उसमें भी ये तुमको क्या करेगा, हेल्प करेगा, क्लियर है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को समझने में, तो उम्मीद कर रहा हूँ इससे तुम लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही होगी, ठीक है, बायोलॉजी एनसीईआरटी को समझने में काफ़ी आसान लगने लगा होगा अब, और चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो करना क्या है, रिवाइज, रिवीजन ही है, देखो रिवीजन ही है सिलेक्शन, ठीक है, रिवाइज करोगे तो सिलेक्शन मिलेगा, क्लियर है, ऑल द बेस्ट।